Dr. Vinay Kumar Rai. I'm the consultant in neonatology department in Manipal Hospital, Dwarka. आज हम लोग कुछ कॉमन जो न्यूनेटल प्रॉब्लम होता है बच्चों में उसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ड्यूरिंग फर्स्ट 10 डेज ऑफ लाइफ जो मदर को जो प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम मदर को फीडिंग रिलेटेड इशूज आती हैं और उसमें जो है अटैचमेंट रिलेटेड इशूज आती हैं। तो बेबी को प्रॉपरली ब्रेस्ट से अटैच करना चाहिए। अगर बेबी बाइट कर रहा है आपके निपल पे तो उसको प्रॉपरली अटैच करिए, है ना। और दूसरी जो है बच्चों को जो कॉमन इशूज आती हैं वो बच्चों को जॉन्डिस हो जाती है मोस्ट ऑफ द बेबीज में दूसरे और तीसरे दिन के बाद। ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपरली फीड करिए बच्चों को। इस तरह की जो जॉन्डिस है मेडिकली हम लोग उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी भी ट्रीटमेंट के ये जॉन्डिस अपने आप 10 से 12 दिन के अंदर डिसअपीयर हो जाता है। बस आप ध्यान रखें, प्रॉपर उसको फीडिंग करें और यूरिन जो है बच्चा कम से कम 6 बार दिन भर में पास करें, इसका आप ख्याल रखें। तो थर्ड बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन, वो बच्चे मदर बताते हैं कि बच्चे को फीवर आ गया है। ये इसका कारण ये होता है कि बिकॉज ऑफ हीट और बिकॉज ऑफ ओवर कवरिंग बच्चों की टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी की वजह से है या ये हमारे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से है? तो आप अपने बैक ऑफ पाम से टच करिए एब्डोमेन को और फिर बच्चे के हाथ को भी टच करिए। अगर दोनों वार्म हो रहा है और 100 टेम्परेचर बच्चे का आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने ओवर कवर कर रखा है। क्या करना है इसमें, आपको बच्चे को जो है कवरिंग जो है हटा दीजिए, जो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ क्लोथ्स हैं उसको कम कर दीजिए और आधे घंटे के बाद फिर से टेम्परेचर लीजिए। अपने आप अगर वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा तो ये कम हो जाएगा। अगर कम नहीं हो रहा है, अगेन 100 से ज़्यादा है और बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा सुस्त है, बच्चा बार बार जगाने के बाद भी सो जा रहा है, दूध पीने के बाद बार बार उल्टी कर रहा है, तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।